क्या ये कला वाला जो आत्मा है तो क्या गैलेक्सी में जा सकती है? नहीं, एक कला वाली आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा अपने परम धाम में रह सकती है, उससे आगे आगे नहीं जा सकती, वो गैलेक्सी में नहीं जा सकती अपने। और जब समय आने पर, ये ज़्यादा से ज़्यादा समय आने पर पूरा ब्रह्मा का 100 साल तक परम धाम में रह सकती है, मगर इससे आगे नहीं जा सकते। और जब पूरा महाकाल समय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है, तो ये कला वाली आत्मा भी क्या वो जीवन मुक्त मतलब बच पाएगी महाकाल प्रलय में? नहीं। आठ जो अगर 8-10 कला का महाशिव है, महाकाल बनता है, तो महाकाल समय में 8-10 कला की जो उसकी आत्मा की स्टेज है, उसमें 8-10 कला वाली सभी आत्मा है, सब उनका विलय हो जाएगा, मतलब उसका विसर्जन हो जाएगा, आत्मा डाइल्यूट हो जाएगी, नहीं रह बच पाएगी। तो ऐसी तरह कोई भी आत्मा की एक लिमिट होती है। जैसे ब्रह्मा आज एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो भी उनको भी हमारे ब्रह्मांड को क्रॉस करके वो दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी लिमिट है। एक ब्रह्मांड में से दूसरे ब्रह्मांड में कौन जा सकते हैं? जो ब्रह्मांड का मालिक समझो शिव है, एक कला का है, तो वो दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए दूसरे ब्रह्मांड तक जा सकता है, दूसरे ब्रह्मांड तक एक कला के पावर वाले ब्रह्मांड में जा सकता है, मगर वो 2-3 कला वाले ब्रह्मांड में जाएगा तो वो भी खुद ही डाइल्यूट हो जाएगा। और कोई हाई कला वाली 5-6 कला वाली आत्मा भी अगर बहुत हाई में जाएगी जहाँ, तो भी उसके लिए भी देखो, परम महा ब्रह्मांड में अगर ये घूमने जाती हैं, और परम महा ब्रह्मांड में वहाँ जहाँ हाई क्वालिटी पावर की कहीं ना कहीं इन लोगों ने रखी हुई है सेफ्टी के लिए, परम महा ब्रह्मांडों में G2 तक, G1 में या G2 में, अगर वो पावर लेने के लिए वहाँ जाते हैं और इससे ज़्यादा हाई क्वालिटी पावर है, तो वो आत्मा डाइल्यूट हो जाती है, अपने से ज़्यादा डबल 3 गुना या ज़्यादा 4 गुना पावर धीरे 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 डाइल्यूट कर सकती हैं आत्माएं। तो ये एक पावर का भी एक नेचुरल लॉ होता है, जैसे धरती के 5 तत्वों का नेचुरल लॉ होता है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कम से कम गिर जाएंगे तो मनुष्य बनेंगे, इससे नीचे वो जानवर भी नहीं बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य बनेंगे, फिर पुरुषार्थ करके वो ऊपर चले जाएंगे, आकारी रूप में रहेंगे, दूसरे लोक में रहेंगे, भूपुरु लोक में रहेंगे, मगर वो कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे। कोई कोई कितना भी कह दे कि मैंने एक कीड़े ब्रह्मा कीड़ा बन के आया और उस पर मैंने पेशाब किया और हंसते रहा है कोई साधु, तो वो गलत बात है, वो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे कहने वाले एक आत्मा की उनकी ओछापन समझ में आती है कि ऐसी हल्की क्वालिटी की आत्मा ऐसे किसी के ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में बात करती है, अच्छी अच्छी बात नहीं लगती। तो ये हमें किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी, किसी भी आत्मा के बारे में गलत बात नहीं करनी है। हर कोई आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही दुश्मन है। ज्ञान कितना है, तुम दूसरों पे हंसते हो आजकल, मगर वो पता नहीं एक हाई क्वालिटी आत्मा है, तो वो कभी लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए कभी किसी आत्माओं पर हमें हंसना नहीं चाहिए, हमें किसी पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई साध्वी हो चाहे साधु हो, उसके प्रमाण इसकी वो हर कोई आत्मा अपने अपने हिसाब से अपने जीवन जी रही है और दूसरों को कुछ देना चाहती दे रही है, कौन सा ज्ञान देती क्या ज्ञान देती, क्योंकि धरती पर अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय है, हर कोई अलग तरह का ज्ञान देता है, एक दूसरे का ज्ञान किसी को नहीं मिलता है, मगर गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन, वो नहीं जानते, वो तो अपनी अपनी मजहब धर्म में फंसे पड़े हैं। इसलिए हमें किसी कोई कॉमेंट नहीं करनी चाहिए, कभी किसी साधु संत महात्मा धर्म पिता धर्म गुरु, अंत में धर्म पिताओं का भी ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर जब अंत में प्रत्यक्ष होगा तो वो मुक्ति जीवन मुक्ति देगा। आप कौन मुक्ति में जाएगा कौन जीवन मुक्ति में जाएगा तो उसी टाइम पता लगेगा, अभी किसी को पता नहीं लग सकता। परम शांति।